हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आयत के बारे में देखेंगे, है ना। रेक्टेंगल के जितना फार्मूला होता है वो कैसे आता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो है आपका साइड होता है ना, जिसको भुजा बोलते हैं। तो ये बी मान लेते हैं और ये एल, ये भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या होगा, है ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इसको और इसको गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा। तो एल इंटू बी जो है टोटल इसका क्षेत्रफल है। मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एल जो है ये 5 है और ये कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 कितना हो जाएगा टोटल, 20, मान लीजिए मीटर में है तो 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर मीटर, ठीक है। अब इसको जैसे मान लीजिए एल कितना है, 5 यूनिट मान लेते हैं। तो पहले इसको 5 भाग में बांट देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, इसको 4 भाग में, 1, 2, 4 हो गया, ठीक है। टोटल गिनेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका क्या पेरीमीटर है ना। तो परिमाप जो है इसका क्या होता है, परिमाप क्या होगा, तो ये और ये है ना, ये L है और ये परिमाप क्या होता है, 4 भुजाओं का जोड़ जो है परिमाप कहलाता है ना। तो 4 भुजा कौन कौन है, एक ये है तो भी एल हो जाएगा, ये बी है तो भी बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सामने है तो सेम है ना। तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको लिखेंगे एल प्लस इसको बी प्लस एल प्लस बी, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए एक एल यहाँ एक एल यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 2L, 2B है तो 2B, दोनों में बी कॉमन ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, यही आपका फॉर्मूला होता है किसका, परिमाप का, है ना, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक है,